ये है रियल लाइफ बैटमैन जिसमें चमगादड़ की तरह पावर से, जिसकी मदद से ये लड़का अंधा होने के बावजूद देख सकता है। और ये है हल्क जैसे मजबूत हड्डियों वाला व्यक्ति जो किसी भी एक्सीडेंट में आसानी से सर्वाइव कर जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जिनमें रियल लाइफ सुपर पावर है जो करोड़ों में किसी एक के पास होती है। नंबर 5, फ्रेंच स्पाइडरमैन। जिस तरह मूवी में बताया जाता है कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मकड़ी के काटने से पीटर स्पाइडरमैन बन जाता है, लेकिन इस व्यक्ति को ना तो किसी मकड़ी ने काटा है और ना ही किसी पागल कुत्ते ने, तो फिर ये व्यक्ति इतनी ऊंची बिल्डिंग पर कैसे चढ़ पा रहा है? इस व्यक्ति का नाम एलन रॉबर्ट है जो कि फ्रेंच स्पाइडरमैन के नाम से जाना जाता है। इस व्यक्ति को बड़ी बड़ी बिल्डिंग पर बिना किसी सेफ्टी के चढ़ने का शौक है और ये ऐसा बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और फिजिकल फिटनेस की वजह से कर पाता है। इसकी पावर है कि इसे ऊंचाई से बिल्कुल डरने लगता, जिसके चलते ये व्यक्ति कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ चुका है। नंबर 4, वेरोनिका साइडर। आमतौर पर सभी पक्षियों की आंखें बहुत दूर से ही अपने शिकार को देख लेती है और शायद इस लड़की में भी किसी पक्षी की ही आंखें फिट है, जिसकी वजह से ये लड़की 1.5 किलोमीटर दूर खड़े व्यक्ति को भी आसानी से देख सकती है और वो व्यक्ति कितना दूर खड़ा है ये भी पता लगा लेती है। जी हाँ दोस्तों, इस लड़की का नाम वेरोनिका साइडर है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस लड़की में एक जेनेटिक डिफेक्ट है जिसमें आंखों के अंदर मौजूद कोन डेंसिटी बढ़ जाती है और इसी वजह से ये लड़की आम लोगों की तुलना में 20 गुना ज़्यादा दूर तक अच्छे से देख पाती है। नंबर 3, द बॉय विद सोनार विजन। ये है रियल लाइफ बैटमैन जो चमगादड़ की तरह इकोलोकेशन का यूज़ चीज़ों को देखने में करता है। जी हाँ दोस्तों, इस लड़के का नाम बेन अंडरवुड है जो 3 साल की उम्र से ही कैंसर की वजह से अंधा है और जिस तरह चमगादड़ रात में आवाज़ की मदद से चीज़ों को देखती है, ये लड़का भी अपने मुंह से कुछ आवाज़ निकालता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर इसे सुनाई देती है और इस तरह ये लड़का अंधा होने के बावजूद किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकता है। ये लड़का अपनी इस पावर की मदद से आम लोगों की तरह बास्केटबॉल खेलता है, बाइक चलाता है और भीड़ में भी आसानी से चल सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश कैलिफोर्निया में रहने वाला ये बैटमैन उसी कैंसर की वजह से 16 साल की उम्र में ही मर गया। नंबर 2, सुपर ह्यूमन बोन डेंसिटी। ये पावर करोड़ों में किसी एक के पास होती है जिसमें हल्क या ल्यूक केज जैसी मजबूत हड्डियां हो जाती है। फिलहाल अब तक ये केस अमेरिका के राज्य कनेक्टिकट में रहने वाले एक परिवार के लोगों में देखा गया है। इस केस को काफी प्राइवेट रखा है जिसकी वजह से उस फैमिली के किसी भी सदस्य के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वैज्ञानिक उन पर रिसर्च कर रहे हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार इन लोगों की एक जीन LRP5 में म्यूटेशन हुआ है जिसकी मदद से इन्हें यह पावर मिली है। इस फैमिली का इतिहास में कोई बोन फ्रैक्चर देखने को नहीं मिला, यहाँ तक कि इस परिवार के एक मेंबर का कार एक्सीडेंट हो गया था। ऐसे एक्सीडेंट में आम लोगों की सारी हड्डियाँ टूट जाती है, लेकिन इस व्यक्ति की मसल्स में थोड़ी सी चोट आई और वो उठकर चलने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और इसलिए इस परिवार के लोगों की हड्डियाँ दुनिया में सबसे मजबूत मानी गई है। नंबर 1, थाई एंकोक। इस व्यक्ति की सुपर पावर का नाम इंसोमनिया है जिसमें रातों को नींद नहीं आती, लेकिन इस व्यक्ति को बहुत सीरियस इंसोमनिया है जिसकी वजह से वियतनाम में रहने वाला ये व्यक्ति 60 सालों से नहीं सोया है। जी हाँ दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम थाई एंकोक है जो कि वियतनाम में रहने वाला 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति है। इस व्यक्ति के अनुसार सन 1962 में इसे बहुत तेज बुखार आया था और उसके बाद से ही इसे कभी नींद नहीं आई, जिसकी वजह से ये व्यक्ति लगभग 60 सालों से नहीं सोया। वैज्ञानिकों को इसके पीछे की एग्जैक्ट वजह तो नहीं पता चली, पर वैज्ञानिकों के अनुसार इसके न सोने से इसकी बॉडी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। शायद इनकी बॉडी में ऐसा म्यूटेशन हुआ है जिसमें बॉडी ने रिएक्ट करने का दूसरा तरीका खोज लिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट जरूर करें। दोस्तों, ये थी सुपर ह्यूमन सीरीज का पार्ट 1। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं जल्द ही बनाने की कोशिश करूंगा। मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।